जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा पूजा विधि। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटी के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराजकर ब्रह्मांड से दसों प्राणों व दसों दिशाओं को संतुलित करती हैं और महाआकर्षण प्रदान करती हैं। इनके उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के दस हाथ माने गए हैं और एक कमल, धनुषबाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके बंधन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अभूत शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं तो वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए पांच घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की शुभ शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है और इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर
स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश ने चिंतित हो उठा। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं।